हेलो एवरीवन, ब्लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं तमिलनाडु का सबसे फेमस जगह सतलुज डैम। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पन्नैयार रिवर। सतलुज डैम कंस्ट्रक्टेड इन 1958। सतलुज डैम हुइज फॉर्म द सतलुज रिजर्वर is one of the major dam in Tamil Nadu. इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे हाउ टू रीच देयर, पार्किंग फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, क्रोकोडाइल फार्म एंड फिश एक्वेरियम। जिन्होंने भी हमारा तिरुवनमलाई टेम्पल का वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तिरुवनमलाई एक बहुत ही सुंदर एरिया है और हम अचानक से प्लान करके गए थे तो बहुत जगह हम कवर नहीं कर पाए। आप यदि प्लान कर रहे हैं वो जगह कवर करने के लिए, मिनिमम 2 से 3 दिन आप रहकर आप आराम से वो बहुत सारे टेम्पल है आप विजिट कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है ये मंदिर से 38 किलोमीटर दूर है और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मॉन्की का थोड़ा सा डर है। पार्किंग एरिया तो आपको दिखाएंगे वहाँ पर है और यहाँ पर, लेकिन गूगल मैप से आप मत आइएगा और गांव जो लोग आसपास के जो लोग हैं उनको पूछ कर आइएगा, क्योंकि 2 बार लोकेशन रॉन्ग दिखा रहा था तो आप कहाँ पर घुसेंगे पता नहीं। लेकिन आप जब अंदर आएंगे ना, 3-4 किलोमीटर के आसपास आप थोड़ा सा जो विलेज लोग हैं उनको पूछ कर ही रास्ता आइएगा। और जो ये जो लोकेशन है पुलिस स्टेशन के पूरा पास में ही है, नहीं तो सतलुज डैम पुलिस स्टेशन आप लोकेशन ये करके आप आइएगा यहाँ पर। चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह में क्या क्या है। इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इन द रीजन। The reservoir also supports fishing activities. It is also includes a small hydroelectric power generation facility contributing to the local power supply. यहाँ पर पार्किंग का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। पार्किंग प्लेस के पास आपको फूड स्टॉल भी आपको आराम से दिख जाएंगे और छोटा छोटा फूड स्टॉल भी बीच बीच में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम जो हमने फेस किया वो है मॉन्की। यहाँ पर इतना ज्यादा बंदर है तो खाना छीन के ले जाते हैं, तो आप यदि नहीं जानते अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पानी या खाने का चीज आप थोड़ा संभाल के रखें। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए अभी हम ऊपर जाकर डैम देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, आप यदि ये डैम विजिट करना चाह रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आइएगा, यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। ये जो डैम है बहुत बड़ा एरिया है तो आप एक हमने भूल कर दिया था कि गाड़ी पार करके हम घूमने गए थे, बहुत लोग कार लेकर भी अंदर आप ट्रैवल करके लोकेशन कवर कर सकते हैं, हमने वो नहीं किया था।
और धूप भी बहुत ज़्यादा था, तो कुछ कुछ एरिया हमने कवर नहीं कर पाए और हमें बैंगलोर भी तो रिटर्न करना था। तो आप यदि आ रहे हैं तो कार के माध्यम से भी आप बहुत जगह कवर कर सकते हैं, तो आपको इतना जो वॉक करके जो आपको दिक्कत होगा वो नहीं होगा। अभी हम चलिए क्रोकोडाइल फार्म देखने के लिए चलते हैं। आप यदि गाड़ी में जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर आपको घूमकर आना होगा और आप पैदल चलकर आराम से पहुंच जाएंगे। हम पैदल ही गए थे। आप यदि पैदल जा रहे हैं तो वो 200 मीटर आपको डिस्टेंस लगेगा क्रोकोडाइल फार्म। क्रोकोडाइल फार्म में एंट्री करने के लिए आपको अलग पे करना होगा। देखिए यहाँ पर वो क्लीन कर रहे हैं, उनका डर भी नहीं लग रहा है। हम तो शूटिंग कर रहे हैं, हमको डर लग रहा है। वो आराम से क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत वैरायटी के क्रोकोडाइल आप देख सकते हैं। मैं तो लाइफ में इतना क्रोकोडाइल एक साथ नहीं देखी हूँ, अलग सा ही एक्सपीरियंस था। मोस्ट आप पूरा राउंड मारिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि
की जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पार्किंग के पास एक्वेरियम है, यहाँ पर भी अलग से आप टिकट करके जा सकते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और एक बच्चों के लिए पार्क भी है। इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग प्लेस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।